Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulam-e-Abbas School. Today in this video lecture, we have another SLO from our chapter number 15, Electromagnetism. आज इस वीडियो लेक्चर में एक और न्यू फिनोमेना के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि जब भी किसी एक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो तो उस करंट फ्लो होने की वजह से या चार्ज के मूव होने की वजह से देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। ये चीज, ये इफेक्ट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या एक और SLO है, दैट इज 15-1, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि उसी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम प्लेस करेंगे इनसाइड आवर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करने से उस कंडक्टर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सो लेट्स सपोज हमारे पास जो है एक कंडक्टर मौजूद है जिसे हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। हियर वी हैव अ कंडक्टर जिसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जब करंट फ्लो हो रहा है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में से, तो हमने स्टडी किया था दैट देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर। तो इस करंट के फ्लो होने की वजह से या चार्ज के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इस कंडक्टर के अराउंड। अब अगर हम ऐसा करें कि इस कंडक्टर को प्लेस कर दें इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमने एक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया। सो लेट्स सपोज वी हैव एन अदर मैग्नेट। सो ये हमारे पास दो पोल्स मौजूद है मैग्नेट के, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल। सो अगर दो पैरेलल मैग्नेट्स के पोल्स मौजूद है, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी पैरेलल एंड फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल। सो करंट के लिए हम जब यहाँ पे सिंबल मार्क कर देते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, और मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कैपिटल बी से। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जो है वो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। अब अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को या सिचुएशन को गौर से देखें, सो वी हैव टू मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। वन इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। द अनदर मैग्नेटिक फील्ड इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट। तो यहां हमारे पास अब दो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और दो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो क्या होगा, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगी, और इंटरैक्ट करने की वजह से एक फोर्स जनरेट होगी जो कि अप्लाई होगी इस कंडक्टर में से गुजरने वाले चार्जेस के ऊपर। अब इसमें से जितने भी चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे हर चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही होगी। सो अगर हम कंबाइन करें, सो वी कैन से दैट अ फोर्स विल एक्ट ऑन दिस कंडक्टर। तमाम चार्जेस पे लगने वाली फोर्सेस को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक फोर्स बन जाएगी, और वो फोर्स किस पे लग रही होगी, वो फोर्स लग रही होगी इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। सो इस फोर्स की डायरेक्शन के बारे में देखें तो माइकल फैराडे जो एक साइंटिस्ट था उसने डिस्क्राइब किया दैट जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगी जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया हो, तो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज करंट। ये जो फोर्स हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें, सो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फोर्स है वो इन दोनों क्वांटिटीज के साथ, करंट के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। इसी तरह से अगर इस फोर्स के फैक्टर देखे जाए दैट ये जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो तीन
फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो अगर हम इस फोर्स के फैक्टर देखें कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किन फैक्टर्स की वजह से अल्टर हो सकता है तो हम उसको एनालाइज करते हैं। अब लेट सपोज अगर मैं इस कंडक्टर में से करंट को स्विच ऑफ कर दूं, सो जब करंट ऑफ हो जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी जो कि चार्ज के फ्लो होने की वजह से प्रोड्यूस हुई थी। सो रिमेनिंग वी हैव ओनली वन मैग्नेटिक फील्ड जो कि परमानेंट मैग्नेट की थी, तो इस केस के अंदर इस कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। बिकॉज उस फोर्स के बारे में मैंने बताया कि फोर्स जनरेट हुई थी ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं प्रोड्यूस हो रही करंट कैरिंग कंडक्टर की तो ये फोर्स भी जनरेट नहीं होगी। इट्स मीन दैट ये जो फोर्स है वो अमाउंट ऑफ करंट पर डिपेंड करती है। अगर अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा होगा, ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे उस कंडक्टर में से, तो देयर विल बी मोर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर। जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। इसी तरह से अगर हम ये चेंज करके देखें कि हम यहां से इन दोनों मैग्नेट्स को यहां से रिमूव कर दें, सो अगेन वी विल हैव ओनली वन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी अब वो यहां पर नहीं होगी। तो जब एक फील्ड यहां से रिमूव हो गई तो देयर विल बी नो इंटरैक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये इंटरैक्शन नहीं होगा देयर विल बी नो फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब फोर्स जनरेट हो रही है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। जितनी ज्यादा होगी स्ट्रेंथ उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई होगी उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे। इट्स मीन दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से जैसे अभी मैंने कहा कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है एक्चुअली में ये कंडक्टर पे अप्लाई नहीं हो रही, ये फोर्स एक्चुअली अप्लाई हो रही है उस कंडक्टर में से गुजरने वाले तमाम चार्जेस के ऊपर। तो यहां जितने ज्यादा चार्जेस मूव होंगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो उस पर अप्लाई होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस कंडक्टर की लेंथ को कम कर दूं, सो इट्स मीन कि यहां इस लॉन्ग लेंथ ऑफ कंडक्टर में ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं जो कि इस फील्ड में से गुजर रहे हैं, जबकि इस स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टर को देखें तो यहां कम अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं जो कि एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लाए कर रहे हैं। दिस शोज दैट कि जो फोर्स है वो डिपेंड करती है द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर जितना इनसाइड द फील्ड मौजूद होगा उस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी, जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो भी उतनी ज्यादा होगी। सो अगेन वी हैव एन अदर फैक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। So here we have three factors on which magnetic force depends. The one is the amount of current flowing through the conductor. The second one is the strength of external magnetic field. And the last one is the length of the conductor inside the magnetic field. इस फोर्स के बारे में एक और बात ख्याल रखनी है, याद रखनी है कि जो फोर्स अप्लाई होती है सिर्फ उस वक्त जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो, दे मेक्स 90 डिग्री, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि दिस फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स बिटवीन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। सो फोर्स जो है वो डिपेंड करती है इस करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल पे, एंड दिस फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम यहाँ इसी डायग्राम में देखें, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इट्स मीन दे विल बी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो कि इस कंडक्टर के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी कंडक्टर को कुछ इस तरह से प्लेस कर देते
अगर हम कंडक्टर को इस तरह से प्लेस कर देते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और साथ साथ अगर मैं जो है वो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करता हूँ, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो इस केस के अंदर व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर पैरेलल टू ईच अदर और दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल इस कंडक्टर का प्लेस कर दूं, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट टू ईच अदर. इस केस के अंदर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस केस के अंदर करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में. इन दोनों केसेस के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होगी इस कंडक्टर पे दैट विल बी जीरो. इट्स मीन दैट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फोर्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड द अमाउंट ऑफ करंट शुड नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट टू ईच अदर. इस फोर्स के लिए जरूरी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान जो एंगल है वो सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में ना हो. तो यहां तक हमने इस फोर्स के बारे में जाना कि कौन सी फोर्स है, किस तरह से अप्लाई होती है, और साथ साथ हमने उसके कुछ फैक्टर्स देखे कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो किस तरह से वेरी होता है. सो फाइनली अब हम जो है वो इस फोर्स की डायरेक्शन की तरफ चलते हैं कि डायरेक्शन में हमने एक चीज तो ये नोट कर ली कि ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज करंट. तो ये बात याद रखनी है कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड और करंट के साथ. फोर्स एंड करंट इज परपेंडिकुलर एंड फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो एक साइंटिस्ट था जिसको फ्लेमिंग कहते हैं. सो फ्लेमिंग ने एक रूल डिस्क्राइब किया था इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज नोन एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हम इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं. और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि हमें अपने लेफ्ट हैंड की इन स्टार्ट की थ्री फिंगर्स को इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्लेस करना है. दिस इज आवर थंब, दिस इज आवर फोर फिंगर एंड दिस इज आवर मिडिल फिंगर. अगर हम अपनी इन तीन फिंगर्स को इस तरह से आपस में स्ट्रेच कर देते हैं, सो थंब एंड फोर फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, माय फोर फिंगर एंड माय मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड माय थंब इज परपेंडिकुलर टू मिडिल फिंगर. सो ये तीनों फिंगर जो है वो डायरेक्शन बता रही है इन तीन क्वांटिटीज की. द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. इसका मतलब है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. आवर फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस मींस दैट ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की. सो दिस विल बी आवर नॉर्थ पोल एंड दिस एंड विल बी आवर साउथ पोल. सिमिलरली आवर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ force. So this is force, this is magnetic field, this is current. So this is F, this is B and this is I. So हम आसानी के लिए याद कैसे रखेंगे F, B and I. Force, field, current. Force, magnetic field and conventional current. So ये जो तीन क्वांटिटीज है इनमें से कोई भी दो अगर हमें नोन हो तो हम थर्ड क्वांटिटी को या थर्ड क्वांटिटी की डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ अ क्लास. उसने एक न्यू फिनोमेना सीखा आज की क्लास के अंदर कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाएगा, सो देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कंडक्टर दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. साथ साथ हमने उस फोर्स के कुछ फैक्टर सीखे. हमने ये जाना कि व्हेन दिस फोर्स इज जीरो एंड व्हेन दिस फोर्स इज मैक्सिमम. और फाइनली हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स को निकालना सीखा. So this is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with some other topics from this chapter, electromagnetism. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to